गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जमुना प्रसाद मेमोरियल फिजिक कॉलेज बरेली की ओर से बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी पेपर थर्ड। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर तो ये तीन प्रकार की होती है, उसमें से नंबर वन है हमारा सिंगल क्रॉसिंग ओवर। तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर में क्या है, ऐसी क्रॉसिंग ओवर, देखिए यहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है, यहाँ पर क्या बेटा कितने बन रहे हैं, एक, कितने बन रहे हैं सिंगल। ऐसी क्रॉसिंग ओवर जिसमें एक क्या बेटा बनता है उसे क्या कहते हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यानी ऐसी क्रॉसिंग ओवर जिसमें एक क्या बेटा बनता है उसे क्या कहेंगे, सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। नंबर दो, डबल क्रॉसिंग ओवर, यानी कि ऐसी क्रॉसिंग ओवर जिसमें दो क्या बेटा बनते हैं, कितने, दो क्याजमेटा बनते हैं, यानी कि एक और एक दो, तो उसे क्या कहेंगे, डबल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जिसमें न्यू कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। ठीक है, नंबर तीन, बेवकूफ बना रहा ना बच्चों को, नंबर तीन है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। ऐसी क्रॉसिंग ओवर जिसमें बहुत से क्याजमेटा बनते हैं, बहुत से यानी कि मैनी क्याजमेटा बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और नए कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, करते हैं थ्योरी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर की थ्योरी, दो थ्योरी दी गई है, सबसे पहली है कॉपी चॉइस थ्योरी। क्या है, कॉपी चॉइस थ्योरी, कॉपी चॉइस थ्योरी, कॉपी चॉइस थ्योरी, इस थ्योरी को लैडरबर्ग 1955 ने दिया था। कॉपी चॉइस थ्योरी, इस थ्योरी को किसने दिया था, जॉसू लैडरबर्ग 1955 ने दिया था। इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, और ये दोनों एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमोसोम पहले अपनी कॉपी बनाते हैं, क्या बनाएंगे, कॉपी बनाते हैं, और कॉपी बनाने के बाद एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्याजमेटा का फॉर्मेशन होता है और अंत में न्यू कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमोसोम है वो कॉपी बनाते हैं, कॉपी बनाने के बाद एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करने के बाद क्याजमेटा का फॉर्मेशन हो जाता है, और अंत में न्यू फॉर्मेशन और न्यू कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। इसको क्या कहेंगे, कॉपी चॉइस थ्योरी कहते हैं। ये हमारी ब्रेक एंड एक्सचेंज थ्योरी, क्या है, ब्रेक एंड एक्सचेंज थ्योरी, इस थ्योरी को मुलर ने दिया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमोसोम पहले क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होने के बाद एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्याजमेटा का फॉर्मेशन हो जाता है और अंत में न्यू कॉम्बिनेशन बन जाता है। थैंक यू वेरी मच।